मंदिरा बेदी का 24 साल बाद बड़ा खुलासा। अगर मैं डायरेक्टर की डिमांड मान लेती तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी हमेशा ही बोल्ड इमेज और बयानों की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। पिछले साल मंदिरा वोध का डायरीज फिल्म में नजर आई थी, जिसमें मंदिरा के रोल को काफी सराहा गया। हालांकि पहले की अपेक्षा मंदिरा फिल्मों और टेलीविजन में कम नजर आती हैं। इस दौरान जब मंदिरा से इसकी असली वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने हैरान करने वाली बात बताई। खबरों की माने तो मंदिरा जल्द ही प्रभास और श्रद्धा कपूर के साथ साहू फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे नकारात्मक भूमिका में देखेंगी। इस बारे में मंदिरा ने बात करते हुए कहा, दश मैं अब अबू धाबी में शूटिंग के लिए जाने वाली हूँ। ऐसा लगता है कि लोग मुझे पुलिस अधिकारी या फिर नकारात्मक रोल के अलावा किसी और किरदार में सोच नहीं सकते। इसके साथ ही मंदिरा बेदी ने कहा, दश मैं अपने छोटे बालों के कारण एक ही तरह के रोल में फंस गई हूँ। हालांकि जब मंदिरा से पूछा गया कि क्या वे अपने हेयर स्टाइल में बदलाव करेंगी, इस पर उन्होंने कहा, दश ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस बारे में सोचा ही नहीं। लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए। उन्हें लगता है कि छोटे बाल वाली महिला एक प्रेमिका, माँ या फिर पत्नी का रोल नहीं निभा सकती। आपको बता दें, मंदिरा बेदी ने बॉलीवुड के अलावा कई सारे सीरियल में भी किए हैं। 1994 में मंदिरा ने शांति सीरियल से करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद शाहरुख खान के साथ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में दिखाई दी। मंदिरा ट्रोलर्स के निशाने पर हमेशा बोल्ड फोटोज की वजह से रहती हैं। हाल ही में 47 साल की मंदिरा ने अपने बेटे के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें बिकनी की तस्वीर पर लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे थे।